पहली फोन तुसी कीता है? मैं कीता सी जी। इन्हां विचारियां नूं तां कोई सुध बुध ही नहीं रहेगी। तुसी? मैं सरपंच आ, सरपंच ज्ञान सिंह। बंदा तो बेचारा देवता सी, किसी ने पाप कमाया इन्हू मार के, इन्नी जमीन जायदाद, अपना छेलर, शहर च कोठी, इन्ना कुछ होने के बावजूद भी इस बंदे च जरा जिन्नी बो मजाज नहीं सी। मैनू एक गल नहीं समझ आई, राती आके किसी ने तुहाडे बापू का गुंडा खोलिया है, उसने हमला किया, अलमारी तोड़ी, और तुहानू किसी कुछ नहीं पता लगा? ना ते वकील है कौन सी? मैं जानता तो नहीं हाँ, पर मेरे सामने आ जाए ना तो मैं पहचान जरूर सकता। इसका मतलब तुसी इस केस विच पहले ही इन्वॉल्व हो? हाँ रोजी। सर तुसी मैनू क्यों नहीं दसिया? ओ बाबा तेनू अज ही दसना सीगा, मैनू भी कल ही पता लगा, और जिस आदमी ने यह मैनू दसिया उन्हें साढ़े को इस केस नू हल करन लई मदद मंगी है। इस करके आया सी कि इस आदमी का जिदा कतल होया या चोरी हुई है, उस आदमी ने एक हफ्ता पहला उदे कोलों एक तकसीमनामा लिखवाया सी, ते हुण तजिंदर नूं यह लगता है कि उस कतल का इस तकसीमनामे नाल कोई ताल्लुक है। तो नहीं लगता ये लोग साढ़े पीछा कर रहे हैं? हो भी सकता है तो नहीं भी हो सकता। अच्छा सर, हुन आपा गुरिंदर आंटी दे घर जा रहे हैं ना? नहीं, सब तो पहला आपा पुलिस स्टेशन चल दे। हादसा रात 2:30 और 3 दे विच होया, और मौत सिर तो ज्यादा खून निकलन दी वजह। इंस्पेक्टर आपा जगह देख सकते? सर ये वो जगह है जिथे वारदात हुई सी, ये वो बेड है जिथों सानू लाश बरामद हुई। लाश वैसे थले पई हुई सी, लाश दी लत्तां उपर सी बैठ, ते उहदा मूंह उपरले पासे नूं सीगा, इत्थे सारे पासे फ्लैट पिया होया सीगा, ते आस पास भी थोड़ा बिखरिया होया सीगा। ते आ सर जिहड़ी अलमारी देख रहे ना तुसीं, हाँ ये अलमारी उस दिन खुली सी, लॉकर जिहड़ा है ये लॉकर भी खुला सी, ये सारा समान इत्थे बिखरिया होया सीगा, कुछ बैड उत्ते पिया सी, कुछ नीचे गिरिया होया सी, ते उस सारे समान चों वैसे सानू कोई ऐसी चीज़ बरामद नहीं हुई जिथों ये पता लग सके कि मर्डर किदां होया, भी कोई हथियार नहीं मिलिया या कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली। वैसे उस दिन सब तो पहला लाश नूं किने देखिया सी? जी मेरी बीवी राजविंदर कौर ने। जी हाँ, हर 4 दिन सवेरे एक होती सी। उस दिन बापू जी ने चाह देन तुसी आए सी? हाँ जी, रोज ही मैं आंदी सी। सर दा कहंदा मतलब ए है जिस दिन कतल होया उस दिन भी चाह देन तुसी ही आए सी? हाँ, पर मैनू की पता सी कि अंदर की भाणा वापरिया है। उस दिन जदों तुसी चाह देन अंदर आए सी ते दरवाजा बारो खुलिया सी या बंद सी? रोज ही खुला होंदा सी। ते अंदर आके सब तो पहला तुसी की देखिया? मैं देखिया बापू जी थले डिगे होए आ, ते चारे पासे खून ही खून आ, मैं चीका मार के बाहर दौड़ गई। इंस्पेक्टर
उस दिन इस बैड के उपर जी चादर बिछी हुई सी और बापू जी ने जड़े कपड़े पाए हुए थे वो कितने सानू भी पता जी कितने ने सर तुसी फिकर ना करो वो सारा समान मेरे कोल है थाने च ठीक है इंस्पेक्टर पर मैं एक बार वो सारा समान और कपड़े जरूर देखना चाहूंगा नो प्रॉब्लम सर तुसी मेरे नाल चलो थाने मैं तुम दिखाना सब कुछ ओके कम ऑन ट्रंक तो मंजे हेठा पिया ताला तो मामा जी ने खोले हां जी एदा मतलब या तो चोरां नूं ट्रंक का पता नहीं लगा या फिर ट्रंक च होर समान सी कुछ पैसे सन तो कुछ गहने ते कपड़े थानेदार साहब कागज निकले ने विचा वैसे तानू ट्रंक खोलना नहीं सी चाहिदा खैर तानू लगता कि अलमारी चो कोई होर समान भी चोरी होया हो सकता कुछ अंदाजा जिहा होया जनाब बापू जी ने भूआ जी दे जेवर लैके दो चार दिन पहले इन्हां अलमारी दे विच रखे सन जी सर मां इकल्ली रहिंदी है ना ते मामा जी ने कहा सी कि उह अपना कीमती समान ते जेवरात वगैरह उन्हां कोल रखवा दे चोरी करे तो खतरा है शायद इस करके मतलब चोरी तो हुई है जी हाँ आ कागज तो बापू जी ने तुहाडे वास्ते लिखाए लगते हैं कोई तकसीमनामा या लगता किसे वकील ने लिखे है किनू किनू की देना यही लिखा है, है? ये तो तुहाडे घर का मामला है ये कागज मैं तुहानू वापस कर दिया पर जिहड़े वकील दे साइन होए इहदे ते वो पता लग सकता कि कौन है कागजात तुसीं इदां करो दो चार दिन लई कागज मेरे कोल ही रहण दिओ ठीक है इंस्पैक्टर साहब चंगा फिर जे लोड पई तो फिर मैं तुहानू थाने बुलाऊंगा अच्छा जी अच्छा सत श्री अकाल आंटी तुसी मैंने एक गल नहीं दसी जदों तुसी मेरे कोल आए सी केड़ी गल ओ ए कि जेड़ा सामान चोरी होया ओ तुहाडे अपने गहने सी ते जिन्ना दी कीमत भी कोई 2-2.5 लाख रुपए दी सी मैनू अपने गहनियां दी फिक्र नहीं है पुत्तर फिक्र है तां बस इस गल दी कि जे किसी ने ओ गहने चोरी करन खातर भाजी नूं मारिया तां मैं सारी उम्र अपने आप नूं माफ नहीं कर सकांगी पर मां इस विच तुहाडा की कसूर है तुसीं आप थोड़ा दित्ते सी मामा जी नूं गहने उन्हां तां आप खड़े सी तुहाडे कोल मन के भाजी तां इस करके गहने लै गए सी भई मैं इत्थे कल्ली रहनी आ ते पिंड च सारिआं नूं इस गल दा पता है एवें कीमती समान कोल रख के कौनू मुसीबत गल पाउणी है पर की पता सी भई इही कीमती गहने उन्हां लई मुसीबत बन जाणगे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗਹਿਣੇ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਰੱਖੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਪਰ ਗਹਿਣੇ ਫਿਰ ਲੱਭੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਘਰ ਸ਼ਾਨ ਮਾਰੇ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਗਹਿਣੇ ਜੇ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਗਹਿਣੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਨਾ ਨਾਲੇ ਉਸ ਅਲਮਾਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਚੋਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਖਾਤਰ ਮਾਮਾ ਜੀ ਸਾਥੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਬਸ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਭਾਜੀ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ अपने आप नूं यतीम समझण लग पिया
पाजी इन्हू मानते भी तो बहुत सी हर वेले अपने नाल रखना यह भी उन्होंने बहुत सेवा करता सी। दो दो हफ्ते घर नहीं सी आंदा अपने मामे को कई बार तो मैनू जाके मिलके आना पैंदा सी। आंटी उस दिन तो पम्मा इत्थे सी ना जिस दिन बापू जी का कतल होया। हाँ एक दिन पहला ही आया सी इत्थे शहरों में दोस्त आए सी सारी सारी रात बैठा उन्होंने गप्पा मारदा रहा पर हुण इहदा उत्थे जाण नूं जी नहीं करदा चाहता था उस कमरे वाल अखा मार मार के वेखता रहता जिथे भाजी नाल रहता सी। हेलो हौसला रख बस की कर दिया सुखिए। कुछ नहीं चाची चाची अब पुलिस भला अपना खेड़ा कदों छड्डूगी नी राबी जाने ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਕਾਹਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਲੰਮਿਆਂ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਦੀ ਭੂਆ ਬਣੀ ਆ ਇਹਨੇ ਹੋਰ ਹੀ ਸਿਆਪਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਕਿਨੂੰ ਕਿਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆਈ ਓ। ਚਾਚੀ ਭੂਆ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਪਈ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 2.5-3 ਲੱਖ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਸੀ। ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸੁਖੀਏ ਨੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਨੀ ਮੈਂ ਤੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਹਾਂ ਇਹਦੀ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਜੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਸਾਰਾ ਘਰ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਛਡਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਵੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਬੰਦ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਰੇ ਆਈ ਇੱਥੇ ਮੁੰਡਾ ਲੈ ਕੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਰਹੀ ਵੱਖਰਾ ਮਕਾਨ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਂਭਣ ਨੂੰ। ਨੀ 15-20 ਸਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਕੀ ਰਹਿ ਆਈ ਸਾਨੂੰ ਮੱਤਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈ ਚਾਤਰ ਸਮਝਦੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਗਵਾਰ ਸਮਝਦੀ ਓ। ਆਹੋ देखो भाई प्रकाश ने यह तकसीम नामा इस करके लिखवाया सी कि उदे तो बाद उदे परिवार विच जायदाद नू लैके वंड वंडाई का कोई बखेड़ा खड़ा ना होवे। उन्हें हमेशा अपने टब्बर नू प्यार ते मुहब्बत नाल रखिया और प्यार ते मुहब्बत नाल ही रहना सिखाया। इस करके मेरी तुहानू सब नू बेनती है कि यह तकसीम नामा लिखण पिछे जो उहदी असल भावना सी उहदी कदर करियो। उह चाहुंदा सी कि मेरा परिवार हमेशा प्यार नाल मिल जुल के रहे। सो इस तकसीम नामे नूं अपने सिर मत्थे जाणियो। मैं इह तकसीम नामा तुहानू पढ़ के सुणा दिंदा। एक मिनट सरपंच साहब एक मिनट। आओ थानदार साहब की गल होगी? नहीं ऐसी कोई घबराउण वाली गल नहीं है। असल विच इह तकसीम नामा बापू जी ने किसे वकील तों लिखवाया सी ਤੇ ਉਸ ਵਕੀਲ ਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਗਨੇਚਰ ਵੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਵਿਕਰਮ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਇਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਉਹ ਵਕੀਲ ਹੈ ਕੌਣ? ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭੇਗਾ? ਲੱਭਣ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਵਕੀਲ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਆਏਗਾ ਕਦੋਂ? ਕਦੋਂ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਤੇ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਤਕਸੀਮਨਾਮਾ? ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵਕੀਲ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਕੌਣ? ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਸੁੱਖੀ ਦੀ ਨਣਾਨ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਘਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਉਹ ਵਕੀਲ ਆਪਸ 'ਚ ਖੜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਗਿਆਨ ਸਿਆਂ ਉਹ ਵਕੀਲ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕੌਣ ਆ ਉਹ? ਰੋਜ਼ੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਕੀ ਉਹ ਹੀ ਨੇ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਨੇ। ਸੁਣਾਓ ਔਰ ਅਮਲ ਕਰਵਾਓ।
वकील साहब चुप क्यों कर गए हो? यह तकसीमनामा नहीं है जिहड़ा मैं लिखा सी, यह तो नकली तकसीमनामा है। वकील साहब ध्यान नाल देखो, हो सकता तुहानूं कोई गलत फहमी हुई हो। कमाल है, मैनूं अपनी लिखाई दी पहचान नहीं। तुसीं फिर भी एक बारी देखो। जायदाद का एक वड्डा हिस्सा जेड़ा बापू जी ने पम्मे दे नाल कीता सी इट्टां वाले पट्ठे समेत, वह इस तकसीमनामे विच नहीं है। यह तकसीमनामे विच सुखी मेरा मतलब बापू जी ने अपनी धी दे नाल कर दिता है। सुखी दे नाल? हाँ वकील साहब, वो तो गल तुहाडी ठीक है, पर यह कागज असली आ जां नकली ये किवें पता लगूगा? वह तो हुण तां ही पता लग सकदा है जे असली तकसीमनामा सामने हो। वह भी कल तक हो जाएगा तो तुहाडा वहम भी दूर हो जाएगा। वह किदा? उहदी एक कापी मेरे कोल पई है, वह मैं कल ही तुहानू विखा सकदा। ठीक है वकील साहब, जब तक इस गल का फैसला नहीं हुंदा, एक कागज तुसीं मैनूं दिओ, मेरे कब्जे च जाणगे।